वेलकम टू माय चैनल फॉर मैं को दोस्त नबील आज के साथ एक और नई वीडियो लिख रहा है और आज हम बात करेंगे इन फेमस मूवी के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो ये स्पॉइलर फ्री है, इसलिए कोई टेंशन नहीं कर जरूरत नहीं क्योंकि मैं प्लॉट या दूसरी चीज़ों के बारे में कोई डीप डिस्कशन नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपका ये मूवी देखने का मजा नहीं खराब होगा। तो बेफिक्र होकर ये वीडियो पूरी देख सकते हैं, तो शुरू करते हैं। वेल, ये मूवी देखने का कोई खास प्लान नहीं था, मैंने इसका ट्रेलर देखा, ज़रा इंटरेस्टिंग प्लॉट लगा, बस मैंने देख ली और रिजल्ट भी मेरा कुछ खास बुरा नहीं निकल के आया। वेल, जैसे कि हर एक मूवी देखने के बाद मैं रिसर्च करता हूँ उस मूवीज़ पे, तो इस मूवी पे भी मैंने रिसर्च की और रिजल्ट क्या निकल के आया कि यूट्यूब पर थोड़ी सी कुछ रिव्यूज़ वीडियोज़ थी और वेबसाइट खाली पड़ी हुई थी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी मूवीज़ देखी हैं जहाँ पर कास्टिंग बहुत अच्छी होती है पर वो मूवियाँ बकवास होती है, कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट नहीं होता और शुरू से ही आपको पता चल जाता है कि एंडिंग क्या होनी है और एक सिंपल बोरिंग स्टोरी चलती हैं और उनमें कास्टिंग बहुत अच्छी होती है। मैंने इस तरह की मूवियाँ देखी हैं और लोग उन्हें प्रेफर भी करते हैं, देखे या फिर रिव्यू डाले होते हैं, पर इस तरह की मूवी जो कि लो बजट में बनी है जिसमें कास्टिंग इतनी अच्छी नहीं है पर प्लॉट मज़े का है, मूवी इंटरटेनिंग है, तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, हर जगह खाली पड़ा हुआ है, किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। तो इस मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस जो है वो बेला है, उनकी ये पहली मूवी है जो कि मैंने मेन लीड में देखी है, उससे पहले इन्हें मैंने सिर्फ कैमियो करते ही देखे कुछ मूवीज़ में, उनकी परफॉर्मेंस मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। और अगर इनकी मूवीज़ हिस्ट्री देखें तो सॉन्ग्स में तो ये काफ़ी अच्छी रही हैं पर मूवीज़ के मामले में इनको लो बजट मूवीज़ मिलती रही हैं और ज़्यादा कोई हिट भी नहीं हुई कोई मूवी। और जो बेला के फैंस हैं जिन्होंने उनके सॉन्ग सुनते हैं, उनकी मूवीज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं, इन्जॉय करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा ये मूवी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि आई हुई, पर जो बेला के फैंस हैं ऑफ कोर्स वही इस वीडियो में आए होंगे क्योंकि उन्होंने ट्रेलर देखा होगा, फैंस हैं उनके तो पता होगा कि ये मूवी आउट हुई है तो उसका रिव्यू जानने आए होंगे। तो ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान से ही आप होंगे, तो पहले कि ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है और ना ही चांसेस है कि ये हिंदी में अवेलेबल हो, पर इस मूवी को अगर सबटाइटल के बिना भी देख लेंगे ना तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो पहली बात, मैं बेला को कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मैं उन्हें जानता हूँ या मूवीज़ उनकी फॉलो करता हूँ, मैंने जस्ट ट्रेलर देखा था इन फेमस का और मुझे वो स्टोरी अच्छी लगी थी, ज़रा इंटरटेनिंग लगी थी और मूवी भी काफ़ी इंटरटेनमेंट से भरी हुई थी। तो प्लॉट की तरफ आ जाते हैं, अगर आपने ट्रेलर अभी तक नहीं देखा तो इसका प्लॉट बहुत सिंपल है कि एक लड़की जो कि एक लो टाउन में रहती है जहाँ पर ना ही ज़्यादा कोई पैसे होते हैं और अफवाहें भी बहुत जल्दी फैल जाती है, और उसका बाप नहीं है और उसकी माँ की बात की जाए तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी है और वो एक अकेली लड़की है जो कि फेमस होना चाहती है, वो चाहती है कि उसकी कोई कदर करे, उसके बारे में कोई सोचे, उसके उठने बैठने से किसी को फ़र्क पड़े। तो हमें ये देखना है कि ये लड़की फेमस होती है या इनफेमस होती है। तो इस मूवी के जो की पॉइंट है, जो कमाल की बात है, वो ये है कि ये आपको कंटिन्यूसली इंटरटेन करती है टिल द एंड और आपको ज़रा ही बोर नहीं होने देती, और मेरे ख्याल से ये डायरेक्टर की वजह से यह है कि उन्होंने इस तरह के डायरेक्शन दिया कि हम किसी भी टाइम में बोर ना हो। और दूसरा क्राइड जाता है इसकी रन टाइम में जो कि बहुत कम है, जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और मुझे बुरी बात यह लगी है कि क्रिटिक्स ने इसको बहुत ही बुरा कहा, आप रेटिंग देख सकते हैं IMDB और रोटेन टोमेटो की जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, जो कि बहुत ही गंदी रेटिंग है। तो मैं आपको ये कहूँगा रेटिंग को ज़रा भी मत देखिए, मूवी अच्छी है और डिज़र्व करती है आपके टाइम को, क्योंकि जो भी चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है जो कि ये मूवी आपको देती है। इसमें बुरी बात मुझे ये लगी कि कास्टिंग ने अपनी ज़्यादा अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, मेहनत नहीं की, बस नॉर्मली परफॉर्मेंस थी जो कि हर एक मूवी में आप दूसरी कास्टिंग करते हुए देख सकते हैं, और ये उनकी नॉर्मल परफॉर्मेंस थी, पर परफॉर्मेंस भी इतनी आपको मूवी में महसूस नहीं होती कि जिसकी वजह से आप कहें कि ये बहुत ही बकवास मूवी और ज़रा भी ना इसे देखें, जो कि क्रिटिक्स ने कहा है। तो इस मूवी में दो ही मेन लीड कास्टिंग और पूरी मूवी इन्हीं दोनों के राउंड घूमती रहती है और इन्हीं दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो कि एक वाहिद और सबसे बड़ी बुराई है इस मूवी की। अगर इसी की जगह कोई फैन फेवरेट कास्टिंग होती है या फिर कोई अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जो कि कम से कम अपनी अच्छी एक्टिंग से मूवी पे इंपैक्ट डालते हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा फैंस, काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखते, रिव्यूज़ वगैरह वेबसाइट और यूट्यूब पे डालते और काफ़ी ज़्यादा फैंस इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस मूवी की कास्टिंग इस मूवी की सबसे बड़ी बुराई है। तो कास्टिंग चूज़ करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसकी वजह से ऑडियंस आती है मूवी की तरफ। तो अब चलते हैं सीधे ऑडियंस की तरफ, क्योंकि ये मूवी 17+ वेबसाइट की तरफ से बताई गई है, तो मैं इसे करता हूँ 15+। बेशक इस मूवी में स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, मतलब गालियाँ वगैरह और सेक्स सीन्स हैं, पर मेरे ख्याल से 16 उम्र के नौजवान लड़के इस मूवी को एंजॉय अच्छे से कर सकते हैं, मज़ा आएगा उन्हें देखने में। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, पर अकेले बैठ के देखिए हम। तो मेरी तरफ से जो बेला के फैंस हैं उनको एक बार अपनी ज़िंदगी में तो ये मूवी देखनी चाहिए, और दूसरी ऑडियंस की बात करें तो आप बेशक इस मूवी को स्किप कर दें, कोई खास मूवी नहीं है, पर अगर ये रिव्यू और ट्रेलर देखने के बाद आपको लगता है कि आपके टेस्ट की है तो ज़रूर इस मूवी को देखिएगा, बाकी टोटली आपकी मर्ज़ी है कि ये आपके टेस्ट की है या नहीं, नहीं देखना चाहते ना देखें, मैंने तो अपना सारा का सारा रिव्यू दे दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर मावडीसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।